नमस्कार दर्शक मित्रों, गुजरात मिरर साथे हूँ छु मिनल द्विवेदी। एक नजर करिए आज ना टॉप 20 न्यूज पर। राजकोट में योगा टीचर सहित 100 महिलाओं ने छेड़ती करनार कौशल भुजनी पासा तड़े अटकायत करी भुज खास जेल खाते मोकली आपवामां आव्यो। मतगणतरी पूर्वे राजकोट दक्षिणना धारासभ्य गोविंद पटेले राज्यसभाना सांसद राम मोकरिया ने पत्र लखी रेलवे स्टेशन पर चाली रहेला डबल ट्रेकनु काम झड़पथी पूर्ण करवा मांग करी। राजकोटना उपलेटामां वाईफाई नु कनेक्शन चेक करता युवकनु वीज शोकथी मौत निपज्यु। मोड़पर गामे बेकाबू ट्रेक्टरे बाइक ने अड़फेटे लेता युवकनु मौत निपज्यु। आवतीकाले गुजरातना 37 केन्द्रों पर मतगणतरी थशे। 182 चूंटणी अधिकारीथी लईने कुल 1007 कर्मचारीओ फरज पर तैनात रहेशे। सवारे 8 वागे पोस्टल बेलेटनी गणतरी थशे। आवतीकाले गुजरातना 1621 उमेदवारोना भावीनो फैसलो। अमदावादना 3 स्थळों पर योजाशे 21 बैठकनी मतगणतरी। चूंटणी परिणाम पहला ज बजारमां फटाकड़ानी मांग वधी। भाजप कोंग्रेस अने आम आदमी पार्टीना कार्यकरोए फटाकड़ा मार्केटमां पूछपरछ शुरू करी। लग्न प्रसंगमां करता 30% डिमांड वधी। मतगणतरी अगाउ एमएलए एक्टिव थया। सूरतना वराछामां पालिकाए गैरकायदे बांधकाम हटावता कुमार कानाणीए डिमोलिशन अटकावी समय मांग्यो। लोक साहित्यकार देवायत खबड़ फरी विवाद में आव्यो। देवायत खबड़े एक व्यक्ति पर जाहिर में हमलो कर्यो। हुमला में युवक ने हाथ और पग में गंभीर इजा पहुंची। जामनगर में फसाया बेराजानी सीम में 12 वर्षना बाड़क ने तीक्ष्ण हथियार की हत्या कराई। शरीर में आड़ेधड़ घा मारी और गुप्तांग कापी नाखी हत्या करी। पोलीसे घटनास्थले पहुंची तपास हाथ धरी। तापीमां विधानसभानी चूंटणीमां भाजप विरोधी प्रवृत्ति बदल सभ्योने पक्षमांथी सस्पेंड कराया। कोर्पोरेटर संजय सोनी, प्रदेश आदिजाति मोर्चाना सभ्य महेश पटेल अने कौशिक वसावाने पक्षमांथी सस्पेंड कराया। पीएम मोदी वधु एक वक्त 14 डिसेम्बरना रोज गुजरातनी मुलाकाते आवशे। अमदावाद खाते प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सवना उद्घाटनना कार्यक्रममां आपशे हाजरी। देश विदेशमांथी स्वामीनारायण संस्थाना महंतो रहेशे हाजर। 5 दायका बाद मर्डर मिस्ट्रीनो भेद खुल्यो। अमदावादमां ज्यारे वृद्धानी हत्या करी त्यारे आरोपी 26 वर्षनो हतो। 76 वर्षनो थयो त्यारे झड़पायो। सरदारनगरमां वासणो चोरीने वृद्धानी हत्या करीने भाग्यो हतो। बनासकांठाना वाछोड गामे युवकने गोळी वागता मौत निपज्यु। भूलनो शिकार करता अजाण्या शख्सोए गोळी चलावी हती। आरोपीनी धरपकड बाद ज परिवार युवकना मृतदेहने स्वीकारशे। दिल्ली एमसीडी चूंटणीमां आम आदमी पार्टीनी भव्य जीत थई। आम आदमी पार्टीने 250 वोर्डमांथी अत्यार सुधी ओछामां ओछी 131 बैठक मळी। भाजपने 99 अने कोंग्रेसने 7 बैठक मळी। नोटबंदीना 6 वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट आ मामलो जोरशोरथी उपाड्यो। अठવાડિયામાં બીજી વાર નોટબંધીના નિર્ણયવાળી ફાઇલો જોવા મંગાવી। સંસદમાં શિયાળુ સત્ર શરૂ થયું। પીએમ મોદીએ ફરી વિપક્ષને સહયોગ આપવાની અપીલ કરી। કહ્યું સંસદમાં હોબાળાથી દેશને થશે નુકસાન। G20ની આગેવાની ભારતને મળવી તે ગૌરવની વાત। ટ્રેન અને પ્લેટફોર્મ વચ્ચે સ્ટુડન્ટ ફસાય। વિશાખાપટ્ટનમમાં ગુંટુર એક્સપ્રેસમાંથી ઉતરતી વખતે પગ લપસી ગયો। 1 કલાકની જહેમત બાદ પ્લેટફોર્મ તોડીને બહાર કાઢ્યો। તાલિબાને પાકિસ્તાન સૈનિકનું માથું કાપી નાખ્યું। હત્યા બાદ સૈનિકના મૃતદેહને ઝાડ પર લટકાવ્યો। જનાજામાં ભાગ ન લેવા લોકોને કડક નિર્દેશ આપ્યો। ઈરાનમાં હિજાબ વિરોધી 5 પ્રદર્શનકારીઓને મૃત્યુદંડની સજા આપી। હિજાબ વિરોધી દેખાવકારો પર સૈનિકોની હત્યાનો આરોપ। 3 બાળક સહિત 11ને જેલની સજા ફટકારી। બીજી ઓડીઆઈ દરમિયાન કેપ્ટન રોહિત શર્મા ઇજાગ્રસ્ત થતાં હોસ્પિટલ ખસેડાયો। બીજી વનડેમાં કેચ લેતી વખતે તે ઇજાગ્રસ્ત થયો હતો। ટીમ ઇન્ડિયા શ્રેણીમાં 0-1થી પાછળ છે। હાલ સમાચારમાં બસ આટલું જ। વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો ગુજરાત મિરર। અને આપને જો આ ન્યૂઝ પસંદ આવ્યા હોય તો તેને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો। પડે પડેના સમાચાર મેળવવા નીચે આપેલ નંબર પર હાઈલપ મેસેજ કરો। નમસ્કાર।